जब कभी भी आपके पास कोई भी सिस्टम हो, लेट सपोज आप इस तरह का आपके पास एक सिस्टम है या आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो है वो एयर है या गैस के मॉलिक्यूल्स फिल्ड हैं, इस तरीके से ये गैस के मॉलिक्यूल या एयर जो है फिल्ड है, और इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन भी है आपके पास, इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। जब भी इस तरह से आपके पास कोई सिस्टम हो और इसी सिस्टम कंसिडर कर लिया जाए, तो किसी भी सिस्टम में, किसी भी चीज़ में, किसी भी सिस्टम में जब भी आप हीट दें उसे, उस सिस्टम को हीट दी जाए, तो वो हीट जो है, लेट सपोज कि ये इसे हीट दी जा रही है, ये हीट लेट फर्स्ट कर लीजिए कि ये हीट जो है इसे एटमोसफेयर से ही मिली है, जैसे कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम में समझा था ना, इसी तरह यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए कि ये हीट जो है वो सिस्टम को दी जा रही है और इसने हीट जो है वो एटमोसफेयर से ले ली है। अब ये जो हीट है ये करेगी क्या? सबसे पहले तो ये हीट जैसे ही इस सिस्टम के अंदर दाखिल होती है, तो इसके अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस या एयर के मॉलिक्यूल जो फिल्ड हैं, इनको एनर्जी मिलती है। हीट से हमेशा एनर्जी ट्रांसफर होती है, इनकी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को मिलती है और इससे एनर्जी जो है इस मॉलिक्यूल को मिलती है। अब जो एनर्जी इनमें आई है हीट की बदौलत, वो एनर्जी किस तरीके की है? उस एनर्जी को हम कहते हैं कि वो जो एनर्जी है वो टोटल इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा यू। टोटल इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि टोटल इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, प्लस जो है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी हो सकती है। इसके बारे में हम लोग फिफ्थ चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, वाइब्रेशनल कौन सी, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी में एक तो काइनेटिक एनर्जी की तीन कैटेगरीज आ जाती हैं, और दूसरी चीज़ इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि जैसे ही इसमें एनर्जी आती है, तो जाहिर सी बात है इसके मॉलिक्यूल्स जो है इस सिस्टम के अंदर इस तरीके से वो कुछ आगे पीछे भी मूव करेंगे, कुछ ऊपर नीचे, चूंकि वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं ना, कुछ अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे होते हुए वाइब्रेट करेंगे, कुछ ऊपर नीचे जाएंगे, कुछ दाएं बाएं मूव करेंगे। मीन्स ये है कि अपनी जगह पे वाइब्रेट भी कर सकते हैं वो अपनी जगह पर, इसके अलावा रोटेशन भी कर सकते हैं, ट्रांसलेशन भी कर सकती हैं, इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो जो चीज़ रैंडमली मूव करती रहती है उसमें काइनेटिक एनर्जी की तीनों टाइप हो सकती है, यानी कि उसमें रोटेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी हो सकती है। इसके अलावा वो अपनी पोजीशन को भी डिस्प्लेस करते हैं। मे बी ये मॉलिक्यूल जो यहाँ है ये इस तरह से इसको हीट मिल रही हो कि ये एनर्जी गेन करने के बाद जो है वो यहाँ पर पहुँच जाए, इस तरह से डिस्प्लेस हो जाए। तो होता ये है कि जो एनर्जी इस सिस्टम को मिली है, जो हीट मिली है इस सिस्टम को, वो हीट एक तो इस सिस्टम के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स के वर्कडन में खर्च हो जाती है, यानी कि इनको वर्कडन भी तो करना पड़ता है ना, इनको अपनी पोजीशन भी डिस्प्लेस करनी पड़ती है, चूंकि वो पहले ही रैंडमली मूव कर रहे हैं और इन्हें बाहर से एक चीज़ मिल रही है, बाहर से हीट मिल रही है उनको, जैसे कि किसी भी चीज़ को, जैसे आपको ही हीट मिल जाए, आप जब खाना खाते हैं तो आपको एनर्जी मिल जाती है, आप बहुत से काम कर सकते हैं, और अगर आप खाना ना खाएं तो आप बहुत लेजी होते हैं, आप कोई काम नहीं कर सकते। सिमिलरली जब ये एक सिस्टम है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स को हीट दी जाती है तो उनकी एनर्जी भर जाती है, जैसे ही एनर्जी भरती है तो उनमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो काम कर सके। दैट्स व्हाई ये जो मॉलिक्यूल है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं, जब वो डिस्प्लेस होते हैं तो वो वर्क करते हैं। तो इन शॉर्ट वे हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में जो डेल्टा क्यू एनर्जी दी जाती है, वो डेल्टा क्यू एनर्जी जो है दो काम करने में इस्तेमाल हो जाती है, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कंज्यूम हो जाती है उस सिस्टम की, और जो बाकी बचने वाली एनर्जी है वो कुछ ना कुछ उन्हें वर्क डन भी करना पड़ता है उस सिस्टम के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स को या उसके डिफरेंट पार्ट्स को। तो हमारी जो हीट है वो कन्वर्ट होगी टोटल इंटरनल एनर्जी में, और इसके साथ ही ये हीट जो है ये वर्क डन में भी कन्वर्ट हो जाती है। इसके इस चीज़ को कि जब भी हीट किसी सिस्टम को दी जाए और वो हीट जो है वो टोटल इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए, तो इस पूरी के पूरी चीज़ को, इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये फिजिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है।
ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो कि ये स्टेट करता है कि जो फ्लो ऑफ हीट है किसी भी सिस्टम के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाती है उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें कभी भी फ्लो ऑफ हीट की डायरेक्शन नहीं बताता, बल्कि जस्ट ये बताता है कि किसी भी सिस्टम में अगर हीट जो है वो उसके अंदर फ्लो कर रही है उस सिस्टम के अंदर, तो वो हीट जो है वो वेस्ट नहीं होती, बल्कि वो हीट जो है वो दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है, एक टोटल इंटरनल एनर्जी में और दूसरी जो है वो वर्क डन में। इस तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है ये कंजर्वेशन का लॉ भी होल्ड करता है। इसमें ये नहीं होता कि जो हीट आपने सिस्टम को दी है वो वेस्ट हो गई है, बल्कि वो हीट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसी और फॉर्म में, और वो जो दो फॉर्म है जिसमें हीट कन्वर्ट होती है उसे हम टोटल इंटरनल एनर्जी और वर्क डन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि आपके पास अगर कोई बॉल हो उसे आप बुलंदी से नीचे की तरफ फेंकें, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नीचे आते आते उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है, तभी हम कहते हैं कि जो एनर्जी है एनर्जी कंजर्व्ड रही है, जबकि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो तब्दील हो जाती है लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है, जो उसकी मिकदार है वो कंजर्व रहती है। सिमिलरली वही कंजर्वेशन का लॉ यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। वो इस तरीके से कि किसी भी सिस्टम में जो हीट दी जाती है वो हीट इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में जो है कंज्यूम हो जाती है, यानी कि एनर्जी वेस्ट नहीं होती बल्कि टू अदर फॉर्म्स में जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, या उनमें जो है वो चेंज हो जाती है, दो अदर फॉर्म में तब्दील हो जाती है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, आप बहुत सी एग्जांपल्स इसकी समझ सकते हैं डेली लाइफ में जो है, जैसे कि ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। आप इंसान, हम लोग जो भी कुछ खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से ही हम चलते हैं, फिरते हैं, भागते हैं और मुख्तलिफ काम करने के काबिल होते हैं। अगर हम खुराक खाएं ही ना तो हमें एनर्जी मिलती नहीं है। एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म होती है, यानी कि हीट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमें एनर्जी मिली है इसका मतलब है हमें हीट मिली है, और वो वाली जो हीट हमने आई है हमारी खुराक खाने से, फूड वगैरह खाने से, वो डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। डिफरेंट पार्ट को जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन वगैरह में इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि जब हम चलते फिरते या भागते हैं तो जो हीट हमें मिली होती है वो वर्क डन में कंज्यूम हो जाती है। इसके अलावा हमारे जिस्म में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो जैसे कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स वगैरह वाइब्रेट करते हैं, तो वो टोटल इंटरनल एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उसको मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी में कुछ हीट कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी हम जो फूड खाते हैं कुछ एनर्जी वर्क डन में और कुछ एनर्जी जो होती है वो कुछ हीट जो है वो टोटल इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा इसकी मजीद एग्जाम्पल जो है हीट इंजन वगैरह ली जा सकती है, और जो है बाइसिकल पंप, वो बहुत ज़्यादा इसकी बेस्ट एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं। अगर मैं बाइसिकल पंप की वर्किंग के बारे में समझाना चाहूँ तो बाइसिकल पंप जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर ही काम करता है, और उसके काम करने का तरीका कुछ इस तरीके से है। जैसे कि लेट्स सपोज ये एक बाइसिकल पंप होता है। इस बाइसिकल पंप में क्या होता है, सबसे पहले तो इसका एक पिस्टन प्रेस होता है। पिस्टन को हम ऊपर की तरफ राइज करते हैं, जैसे ही राइज करते हैं कि जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस सिस्टम के अंदर चल जाते हैं, यानी कि इस पंप के अंदर चल जाते हैं। जैसे ही हम इस पंप के ऊपर वाले पिस्टन को राइज करते हैं, यहाँ से एक ओपनिंग बनती है, और इस ओपनिंग के थ्रू जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यानी एयर, उस सूरत में हम एयर हवा में इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा कि बाइसिकल पंप को जब इस्तेमाल किया जाता है तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि वो बिल्कुल ओपन एयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा होता है ये काम। तो जो गैस इस सिस्टम के अंदर आती है वो हमारी एयर होती है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही इस सिस्टम को आप राइज करते हैं, तो राइज करने के बाद जो है एयर के मॉलिक्यूल्स इस सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद आप इस पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं। जैसे ही पिस्टन को आप नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ये कंप्रेस हो जाते हैं और ये वाला हिस्सा बंद हो जाता है। उसके बाद यहाँ से एक ओपनिंग खुलती है और ये सारे के सारे जो हैं एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल जाते हैं एक आउटलेट के थ्रू, और ये जो आउटलेट है आगे से ये टायर्स वगैरह के साथ कनेक्ट किया होता है, और इस तरह से उस टायर्स वगैरह में जो एयर है वो फिल्ड हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। इसमें यहाँ से हम लोगों ने इस पर इस तरीके से काम किया कि यहाँ पर हमारे पास जो था एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो है इस तरीके से हमारे पास एक यहाँ पर इनलेट होता है जिसे हम जो है वो ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो ऊपर की तरफ खींचते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्पेस बन जाती है।
यहाँ पर एक इनलेट होता है और इस इनलेट के आगे जो है वो इस तरह से टायर वगैरह जो है कनेक्ट होते हैं। इस तरीके से ये टायर जो है यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, टायर के वॉल के साथ ये वाला हिस्सा कनेक्ट कर दिया जाता है। एक जो है यहाँ पर एक जो है बटन वगैरह या ओपनिंग लगी होती है, और एक इस जगह पर जब आपका पिस्टन नीचे की तरफ आता है, जैसे ही आप इसे ऊपर की तरफ राइज करते हैं तो यहाँ से जो है गैस के मॉलिक्यूल वगैरह वो नीचे आ जाते हैं और नीचे आकर जो है इस सारी की सारी जगह पर जमा हो जाते हैं। अब उसके बाद जैसे ही आप इस पिस्टन को नीचे की तरफ दबाते हैं तो ये वाला हिस्सा यहाँ से बंद हो जाता है, और यहाँ से भी एक हिस्सा लगा, यहाँ पर भी एक इनलेट लगा होता है, यानी कि यहाँ पर भी एक ओपनिंग होती है, वो भी यहाँ से कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती है, बंद हो जाती है। और जैसे ही आप इसको ऊपर से कंप्रेस करते हैं तो आपकी जो एयर है या एयर के जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर कंप्रेस्ड हो जाते हैं, और जैसे वो कंप्रेस्ड होते हैं ये वाला हिस्सा यहाँ से ओपन हो जाता है और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ से ट्रेवल करते हुए इस जो है टायर तक पहुँच जाते हैं। मीन्स ये कि आप इस पर इस पूरे के पूरे सिस्टम में जो हीट होती है वो इन मॉलिक्यूल्स की जो है इंटरनल एनर्जी और इसके वर्क डन में कंज्यूम हो जाती है, जो हीट हम इस पूरे के पूरे सिस्टम पर अप्लाई करते हैं। इसके अलावा आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आता है वो इसके जो है डेल्टा क्यू यानी कि इसकी हीट और इसके वर्क डन के डिफरेंस के इक्वल होता है। इस तरीके से भी इसे समझा जा सकते हैं या इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में जो हीट है ट्रांसफर की जाती है, हीट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, मतलब कि किसी भी सिस्टम में एनर्जी दी जाए किसी भी सिस्टम को, तो वो जो एनर्जी है वो जो हीट है वो सिस्टम में जो है एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स की बढ़ा देती है, साथ यानी कि इंटरनल एनर्जी में कंज्यूम होती है, और साथ ही साथ उस सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं या उस सिस्टम के अंदर जो गैस फील्ड है जो एयर है उसके वर्क डन करने में भी कंज्यूम हो जाती है। तो इसे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ये हीट इंजन वगैरह में इस्तेमाल होता है, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा जो है ये बाइसिकल पंप्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूजेबल है, और ये जो है डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिक्स से।